और इस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट को मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, लास्ट मंथ की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी एक कस्टम डेट में अपनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियोस को अंत तक देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं डिकोल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंट मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इसमें रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करनी है और इसकी मोबाइल बैंकिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट करनी है, अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो आपने एम पिन सेट किया है उस एम पिन को यहाँ पे एंटर करेंगे और इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएंगी, आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपको अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी है, साथ में स्टेटमेंट भी डाउनलोड करनी है, तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है रिसेंट ट्रांजेक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी, उसके पहले लास्ट 7 डेज की जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है यहीं पे आपको शो कर देता है। स्टेटमेंट के ऑप्शन पर सिंपल सा आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी डेट और टाइम सेलेक्ट करनी है कि कब की स्टेटमेंट आपको सेंट मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करनी है। जैसे अगर आपको लास्ट मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, जो मैंने डाउनलोड करके दिखाया था वो लास्ट मंथ की स्टेटमेंट थी, जैसे हमें लास्ट मंथ की चाहिए तो हमने लास्ट मंथ पर क्लिक किया। अब इसके बाद में हमने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आपकी जो भी लास्ट मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन हुई रहेंगी यहाँ पे आपका शो कर देगा। डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके पहले यहाँ पे आपको पासवर्ड बता दी जाएंगी कि जो आप पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं स्टेटमेंट, वह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो आपका जो पासवर्ड है वो क्या रहने वाला है, तो जो आपका स्टेटमेंट की जो पीडीएफ है उसका जो पासवर्ड है आपके बैंक अकाउंट की फर्स्ट 4 कैरेक्टर है CIF नंबर की, और जो आपके बैंक में जो लिंक है मोबाइल नंबर उसकी फर्स्ट 4 कैरेक्टर है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो है आपका CIF नंबर रहने वाला है और फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने वाला है। इसके बाद में आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो आपका PDF है यहाँ पर डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, 3 लाइन पर क्लिक करके ड्राइव PDF व्यूअर की मदद से इसे ओपन करें। अब जो आपका जो PDF है वह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपको अपनी CIF नंबर की एंटर कर लेनी है, और इसके बाद में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका PDF ओपन होकर के आ जाता है। अब अगर आपको किसी एक कस्टम डेट में स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको कस्टम डेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट में आपको सिलेक्ट करना है कि कब से लेकर के कब तक की आपको स्टेटमेंट देखनी है। जैसे हमें देखना है आपको 1 सितंबर 2024 से लेकर के यहाँ पे टू डेट में आज का हम वर्तमान डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 9 नवंबर 2024, ओके के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपने जो डेट दिया है फ्रॉम डेट और टू डेट वह सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भी आप अकाउंट स्टेटमेंट निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम आप 6 मंथ्स का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप फ्रॉम और टू डेट जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप यह चेक कर लेंगे कि जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं वो 6 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका जो भी डेट आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल रही है। डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन आया, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में जो आपका PDF है ये भी आपका डाउनलोड हो चुका है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक ड्राइवर की मदद से इसे ओपन करेंगे। अब ये जो PDF है आपने इसे डाउनलोड तो कर लिया, पासवर्ड है तो मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आपका फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपका CIF नंबर है और फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपका मोबाइल नंबर का रहने वाला है। तो इस तरह से जो है आपको इसमें एंटर कर लेनी है। अब इसके बाद में ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट है फ्रॉम डेट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टू डेट आप देख सकते हैं सेम जो मैंने सेलेक्ट करके जो डाउनलोड किया है वह डेट के अंतर्गत यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वह डाउनलोड होकर के यहाँ पे आ चुका है, कुछ इस तरह से देख सकते हो। जितना ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन होगा उतना ज़्यादा आपके PDF में जो पेजेस होंगी वह ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको संपूर्ण प्रोसेस बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।